रोम रोम भाइयों। तो कैसे हैं आप लोग? ये जिंदा है इशिका, देखो ये। मुझे पता है बहुत दिन बाद वीडियो आ रही है, सॉरी बड़ी वीडियो बहुत लेट आ रही है, पर जो शॉर्ट्स वीडियो वो कंसिस्टेंट है। तो मैं भाई ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था आजकल ऐसे सोशल मीडिया, मुझे एक भाई एक मस्त से पीसफुल कम्युनिटी के बारे में पता चला, तो मैंने सोचा इन पर वीडियो बना दिया जाए, एक सेकुलर लोगों के ऊपर वीडियो बना दिया जाए पीसफुल कम्युनिटी के ऊपर, तो देखते कितना पीस मिलता है इनकी मीम देख के बता दे। आइए देखते हैं बैठन मजा आएगा। घर के दरवाजे पे खड़े रहो और मैं आराम कर रही हूँ, घर में किसी को भी अंदर आने मत देना। और कुछ दिन बाद जब शिवा अपने घर पे लौटता है और वो घर में दाखिल होना चाहता है तो ये लड़का उसे रोकता है, कहता है कि मेरी वालदा मेरी माँ आराम फरमा रही है, आप घर में नहीं जा सकते। शिवा तेज में आके ये लड़का मेरे घर में मुझे दाखिल होने से रोक रहा है, तेज में आके उसकी गर्दन उड़ा डालता है। मैं सवाल पूछूंगा हिंदू दोस्त से, आपका भगवान आपके बेटे को नहीं पहचान सकता है? जब मैं तकलीफ में रहूंगा तो मुझे कैसे पहचानेंगे? भाई तुम लोग तो अपने भगवान तक नहीं जानते। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बाकी का तो छोड़ दो, और आपने हिंदुइज्म एक्सेप्ट कर लिया इस बात की मुझे बहुत खुशी है। राम राम, बहुत जल्दी अयोध्या में मिलेंगे। चलो भाई अगली वीडियो देखते भाई, बहुत मजा आता है भाई इन लोगों का ऐसे रोस्ट करने में, भाई अलग ही मजा आता है। अच्छा भाई तू एक बात बता, तेरे भाजपा के झंडे में ये हरा रंग क्यों है? ध्यान से देखो, हरे रंग में डंडा भी घुसा हुआ है। भाई भाजपा के झंडे की बात छोड़ो, हमारा भगवा रंग तो भाई इंडियन फ्लैग में भी सबसे ऊपर ही आता है। कर बैठा है हनुमान, है क्यों टॉपी ड्रामा करा रहे हो आवाम को, क्यों बेवकूफ बना रहे हो, क्यों? तौबा करो, माफी मांगो अल्लाह से, कलमा पढ़ो, इस्लाम कबूल करो, और बाकी सबको भी कलमा पढ़वाओ अपने हिंदुओं को। सच बताओ उनको कि हनुमान के पास कोई इतनी शक्तियां वक्तियां कुछ नहीं थी, अभी तो उसका करेक्टर भी डाउटफुल है मेरी नजर में। बात करें हनुमान जी के छुपने की तो वो गल्फ कंट्रीज में एक ऐसा काला बक्सा है, लोग बोलते हैं उसमें कुछ तो है, पता नहीं क्या है, तुम लोग ऐसा बहुत मानते हो। जल्दी वहां से हटो, तेरा माइक है। चलो बात छोड़ो, हनुमान जी के कैरेक्टर की बात करें अगर वो तुमको डाउटफुल लगता है तो एज अ हिंदू मुझे ये के बारे में बहुत डाउट है भाई। कहां से बन गए, अल्ली आई थी क्या कोई? तीन तलाक बैन किया गया, इसको आप लोग मान रहे नहीं मान रहे, सही है कि नहीं? कौन? बिल्कुल हमारे शरीयत के खिलाफ है, उसको बिल्कुल नहीं मान सकते। तो रहन दो फिर, जो चीज आना पड़ रहा है ना आप सब। और हम संविधान को इसलिए मानते हैं कि संविधान हमें हमारे मजहबी आजादी देता है, लेकिन जो मजहबी आजादी ना दे वो संविधान संविधान ही नहीं है। अच्छा भारत का राष्ट्रपति कौन है? भारत मुरमुरे जी, फुल मुझे नहीं मालूम, मुरमुरे जी। राष्ट्रपति का नाम नहीं आता, बताइए उपराष्ट्रपति कौन? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू सर। अच्छा नायडू जी हैं। भाई गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन की बात छोड़, तेरे को तेरे बाप का नाम मालूम है? बाप पे जाना नहीं। तो आप छोड़ दो ये सब, एकदम टाइम बर्बाद कर रहे हो।